डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 27 करवा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहेगी, 7 अक्टूबर की रहेगी। देखिए, वर्कशीट में सीधा मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा जो वर्कशीट में पूछे गए हैं, तो आपको पूरी की पूरी जो वर्कशीट है ना, ये इजीली समझ में आ जाएगी। बस एक ये है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये सेट स्क्वायर से बनाया गया है। मतलब आप जो है सेट स्क्वायर से भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं। कैसे? आप स्केल से एक लाइन डाल लीजिए, फिर सेट स्क्वायर रख दीजिए, तो आप यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी लाइन के ऊपर कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, जो 90 का एंगल बनाती है, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एक तो सेट स्क्वायर से हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम कंपास के द्वारा बनाएंगे। किससे बनाएंगे? कंपास से। किससे? कंपास से बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप कंपास से सीधा इन दो क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। मैंने पहले कंस्ट्रक्शन समझाई है, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाए हैं, तो आप उसे देखिए। बच्चों, अब आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपको जो है उस पर एक आर पॉइंट लेना, उसी लाइन पर ना आपको एक आर पॉइंट लेना है, फिर उसके बाद उस आर पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है ना, उसके ऊपर अगर कोई 90 डिग्री की कोई लाइन पड़ जाती है ना, जब आप डी से चेक करोगे 90 का है, तो उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये तो हमने रफ में बनाया, अब हम इसको फेयर में करेंगे। आप ध्यान से देखो। देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्केल, ठीक है। देखिए स्केल आपने ले लिया, अब आपको लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। जैसे ये है ना, तो लाइन सेगमेंट मैंने आपको अच्छे से बताया था। क्वेश्चन आप नोट करेंगे, फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सारे लिख रखे हैं, ठीक है। अभी आपको दिखा दूंगा मैं, है ना। तो फटाफट सबसे पहले समझ तो लो करना कैसे है। अगर इस समय तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बना के भी लिख सकते हैं, ओके। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक जीरो पर पॉइंट डालेंगे। डाल दिया, दिख रहा है आपको? जीरो पॉइंट डाल दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने जीरो पर पॉइंट डाल दिया, डाल दिया। दूसरा हमें डालना है 6 पर, हमने 6 पर डाल दिया, ठीक है। तो हमने इसके बाद इसको मिला दिया, तो इसका नाम हमने सीडी लिख दिया। क्योंकि देखो, जो नाम हमें क्वेश्चन में दिया वो नाम हमें लिखना नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो नाम दे रखे ना, वो हमें नहीं लिखना, हमने यहाँ पे सीडी लिख दिया। लिख दिया, और ये कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। कितने का बच्चों? 6 सेंटीमीटर का, ओके। तो ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ना। देखो, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ना आपको पेन से करता हूँ इसे। देखिए, मैंने पेन ले लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे, ठीक है। क्योंकि काफी लाइट पड़ रही है, तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो ये हमने पेन से ड्रॉ कर लिया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर कोई एक पॉइंट लेना है। कोई क्वेश्चन बोला गया एक पॉइंट, उसका नाम आर लेना है आपको। तो हमने ना आर यहाँ पर ले लिया सेंटर में, आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लीजिए कि बीच में पड़ जाए वो, है ना। तो आर ले लिया, उसके बाद हमें बोला ना इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ या ना। तो आपको क्या करना है, इस आर, ये जो जो आपने गैप लिया ना, इस थोड़ा कम ले लो, इधर भी उतने कम होना चाहिए, ये जरूर नहीं, बीच में लो, समझे मेरी बात, क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिया, इतना गैप लिया, तो यहाँ इसे हमने सेंटर मान लिया। तो हमने एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है, और एक आर्क हमने जो है, आप पेंसिल से करेंगे, पेंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। एक हमने आर्क यहाँ लगाई, ठीक है, यहाँ ऐसे आर्क लगा दी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आर्क है ना, इसका नाम हमने ए नाम, इसका नाम हमने ए दे दिया, और इसका नाम हमने बी दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस आर्क, इस पॉइंट पे आपको कंपास लेना है। पॉइंट से आप कहीं पर भी, आप इतना जितना हमने लिया था इतना भी ले सकते हैं, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आर्क आपको ऊपर लगानी है, एक आर्क आपको नीचे लगानी है, ऐसे इस पॉइंट पे रखो, एक आर्क ऊपर लगानी है और एक पॉइंट आपको नीचे लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमें एम एन परपेंडिकुलर बोला, अगर खाली एक पॉइंट दिया होता ना, जैसे एग्जांपल में दे रखा है, तो हम एक तरफ बनाते, लेकिन यहाँ पे दोनों बनाने पड़ेंगे। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा ना, एम एन, तो इसका नाम हमने एम रख दिया, इसका नाम हमने एम रख दिया। तो इस तरीके से एम एन जो है वो परपेंडिकुलर हो गया सीडी पे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको, कैसे करना है, क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए, मैंने ना जो भी कंस्ट्रक्शन कराई है, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप ये नोट करना चाहें तो आप आराम से नोट कर सकते हैं,
ठीक है, अगर आपके टीचर्स कहते हैं केवल कंस्ट्रक्शन कीजिए तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरे में बोला है लाइन सेगमेंट आपको 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। अब आपको जो एस पॉइंट लेना है ना, वो लाइन पर नहीं लेना, उसके बाहर लेना है, और फिर आपको उस पर भी आपको फिर एस पर एक परपेंडिकुलर डालना है, एस से होकर जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले वही आप स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल में आप 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक जीरो पर रख लिया, ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, और ये हमने 8 ले लिया। तो हमने इसको लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका नाम आ गया सी, इसका नाम आ गया डी। ठीक है, अब उसके अंदर एक पॉइंट लेना है एस, जो बाहर होना चाहिए। कहा होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो हमने जो है क्या करा, एक पॉइंट बाहर ले लिया, यहां पर ले लिया एस। ठीक है, हमने एस पॉइंट बाहर ले लिया। अब इस एस पर आपको क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। देखो ये एस है ना, तो आप सर्कल देखो कि इस प्रकार प्रकार को खोलो कि जो यहां टच कर दे इस लाइन को। देखो यहां से भी टच कर रहा है और यहां से भी टच कर रहा है। मान लो अगर आपने छोटा लिया तो टच नहीं कर रहा ना, तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। टच कर दिया, ठीक है, देखो ये टच करके ये दो लाइन हमारी आ गई। ठीक है, सुंदर मेरे भाई, ये देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सारा लिख रखा है। ठीक है, अभी आपको इसको दिखा दूंगा। ठीक है, आप वहां से नोट कर लेना, लेकिन आप समझ लो करना कैसे है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसका नाम मैंने ए लिख दिया, इसका नाम मैंने बी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब इस पॉइंट पर मैंने ऐसे आग डाल देनी है, और इस पॉइंट से भी मैंने यहां पर रखा ऐसे आग डाल देनी है। फिर उसके बाद मैंने ये जो एस पॉइंट है ना, इसको मिला देना है। ठीक है, और इसको मैं आगे तक बढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को जहां काटा है ना, इसको तो मैंने क्यों नाम दे दिया, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में लिखा था एक्स वाई, क्या लिखा था एक्स वाई, तो मैंने एक्स ऊपर दे दिया या एरो बना दिया, और मैंने वाई जो है नीचे लिख दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से देखो ये हमने बना दिया पूरा, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये हमारा आगे परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से ये जो एक्स वाई है परपेंडिकुलर इस पे सीडी पर है। ठीक है, तो ये छोटा मैंने कर दिया, काफी छोटा हो गया होगा, क्लियर हो गया। कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एस पॉइंट लेना है, फिर यहां से ऐसे आग लगानी, फिर इन दोनों को लेकर यहां आग लगानी है, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा देना है, इस पॉइंट को क्यों बोल देना, और एक्स और वाई जो है ये हमारा आ जाएंगे। ठीक है ये स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आगे पूरा कैसे करना है। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अभी इसके स्टेप कंस्ट्रक्शन तो देख लो आप, ठीक है, वो आप आराम से नोट कर लेना। थैंक यू, अब नोट कर लोगे। अभी सेकंड के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप आराम से ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एस लिखा है, जो एस के साइड में जो कटिंग है ना, वो कटिंग थी। ठीक है, तो आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।